गाइस, ये एक क्विक वीडियो है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि जो जियोफोन है, जियोफोन में अब गूगल मैप्स का सपोर्ट आ गया है। तो कुछ टाइम पहले गूगल ने कायोस में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है और अब वो इन्वेस्टमेंट का नतीजा ये आ रहा है कि गूगल के ऐप्स कायोस में चलना स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे सबसे पहला ऐप जो स्टार्ट हुआ है वो है गूगल मैप्स का। तो गूगल मैप्स आपको जियोफोन में अब यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये एक फुल फ्लैश वर्जन नहीं है जो एंड्रॉयड में आपको मिलता है, ये गूगल मैप्स का लाइट वर्जन है जो गूगल मैप्स, मैप्स गो वगैरह जैसी ऐप्स हैं ना, उस टाइप से। तो आप अपने जियोफोन में ये ऐप यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इतना करना है कि आपका कायोस जो है वो लेटेस्ट वर्जन पे अपग्रेड होना चाहिए और आप जियोफोन के ऐप स्टोर में जाकर गूगल मैप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा तरीका है। और अब आपको अगर इसको यूज़ करना है आपके फ़ोन में तो आपको अपने फ़ोन की जियो लोकेशन ऑन करनी पड़ेगी। जियो लोकेशन यानी कि GPS वाली लोकेशन जो आपको सेटिंग्स में जाके मिलेगी, वो आप ऑन कर लेंगे जो गूगल मैप्स है इस जियो फ़ोन में, वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के नेक्स्ट थोड़े पार्ट में बताऊँगा कि ये फ़ोन में चलता कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, काम चला हुआ है कि बस ओके है, या फिर सही में कुछ हेल्प कर सकता है कि नहीं है। तो अब जो आपको वीडियो देखने को मिलेगी वो मिलेगी इसका ट्यूटोरियल टाइप की। गूगल मैप्स इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा जियो के प्ले स्टोर में, मतलब जियो के ऐप स्टोर में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको सबसे फ्रंट में ही मिल जाएगा गूगल मैप्स का ऑप्शन। तो आप जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है वैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देन अब देखते हैं ऐप का इंटरफेस कैसा है। तो आप ऐप को ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जैसे कि सर्च, शो मैप, योर लोकेशन, ड्राइव, टू व्हीलर, ट्रेन और बस। अब मेन चीज़ आ जाती है कि आपको यहाँ पे मैप्स कैसे काम में आएंगे। जनरली आप मैप यूज़ करते हो कहीं पे जाने के लिए, कोई लोकेशन ढूंढने के लिए। तो आप यहाँ पे सर्च करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे डाला MP नगर, तो ये आ गया MP नगर। अब आपको वो दिखा देगा लोकेशन MP नगर की कि ये रहा MP नगर, और जो भी है गूगल मैप में ऐसा दिखेगा। फिर आप चाहें तो आप ऑप्शंस पे क्लिक करके डिटेल्स और डायरेक्शंस में जा सकते हैं। तो आप डायरेक्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे पूछेगा आप कहाँ से स्टार्ट करना है। तो जैसे मैंने योर लोकेशन किया तो यहाँ पे ये अपनी लोकेशन गैदर करेगा और उसके बाद आपको एक डायरेक्शन इन मतलब सेंटेंस फॉर्म में दिखा देगा। ये उसने दिखा दिया कि ऐसे ऐसे करके जाना है, ठीक है। बट ऐसे करके तो आप जा नहीं सकते क्योंकि ये रियल टाइम नहीं है, सिर्फ ऐसे दिखा के छोड़ देगा। उसके लिए आपको मैप के थ्रू जाना है तो ऑप्शंस में जाके आप शो मैप कर देंगे तो शो मैप में आपको पूरा रूट दिख जाएगा। और आपको अगर जूम इन जूम आउट करना है तो आप 3 से जूम इन कर सकते हैं और 1 से जूम आउट कर सकते हैं और ये अप डाउन कर सकते हैं ऐसे करके। और आप जैसे जैसे मूव करेंगे तो ये जो ब्लू डॉट है, ये ब्लू डॉट मूव करेगा और आपको बताएगा कि आप कहाँ पे पहुँचे, आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो ये इसमें हेल्प करेगा। हाँ, ये आपको बार बार बोल के नहीं बताएगा कि यहाँ मुड़ना है, वहाँ मुड़ना है, जैसे आपकी नॉर्मल ऐप में करता है। बस ये एक ऐसे ही आपको ओवरव्यू दे दिया उसने और आपको जहाँ भी जा रहे हो आप, तो ये ब्लू डॉट है ये शिफ्ट होके बताता रहेगा, ऐसे करके रहेगा। फिर आपको यहाँ पे रूट इन्फो चाहिए तो वापस वो सेंटेंस फॉर्म में आपको मिल जाएगी। बाकी आपको अब आपको देखना है कि आप पैदल हो, टू व्हीलर से हो, ट्रेन से, बस से, या फिर जैसा भी हो, तो उस हिसाब से यहाँ पे मोड्स हैं, ड्राइव, टू व्हीलर, ट्रेन और बस के हिसाब से। तो आप उस हिसाब से करेंगे तो वो उस हिसाब से दिख जाएगा, रूट चेंज कर देगा, तो शो मैप कर देंगे तो आपको उसे मिल जाएगा। सो यही था इसमें इसका ट्यूटोरियल। सो जैसा कि आपने देखा कि गूगल मैप्स कैसे काम करता है जियोफोन में, और ये उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है जो अभी भी एक फीचर फ़ोन या फिर जियोफोन ही यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं। और मैप्स आजकल हर कोई यूज़ करता है, मतलब कहीं भी जाना वाना होता है तो मैप्स ज़रूरत पड़ती है गूगल मैप्स की। सो यही थी इस वीडियो में क्विक अपडेट आप लोगों के लिए। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपको फ्यूचर में लाता रहूँगा। और अगर आप एक जियोफोन यूज़र हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप इस ऐप को यूज़ करोगे कि नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।